Welcome to Inside Techs. Here we will learn about power transmission element and control system. आज हम जो चीज जानेंगे वो है इंडोर सर्किट ब्रेकर को रेक आउट कैसे करते हैं. प्रोसीजर फॉर इंडोर सर्किट ब्रेकर रेक आउट. तो देखिए यहाँ पे एक 11 केवी का ज्योति मेक का ब्रेकर है पैनल. तो वो ब्रेकर को हमें रेक आउट करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर करनी है. तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स इसी जगह पे होते हैं कि ब्रेकर रेक आउट करते हैं और कुछ ब्लास्ट हो जाए. तो हम प्रोसीजर देखते हैं किस तरह करेंगे. देखिए सबसे पहले देखना है हमें कि ब्रेकर ऑन है. यहाँ पे ब्रेकर का ऑन इंडिकेशन है और ये VDI है कि आउटगोइंग में तीनों फेज जा रहे हैं, तो तीनों का इंडिकेशन दिखा रहा है. अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है कि इस ब्रेकर को रिमोट ट्रिप करने के लिए यहाँ पे प्लग दिया गया है और अभी ब्रेकर से दूर जाके उस ब्रेकर को ट्रिप करना है. इसके लिए कहीं भी अलग अलग प्रोसीजर्स होती है या ट्रिप करने के लिए. तो यहाँ पे ये ब्रेकर इस तरह से ट्रिप हुआ. अभी क्या देखना है कि हमारा ब्रेकर का ऑफ इंडिकेशन यहाँ पे आ चुका है. तो ये ब्रेकर ऑफ है. VDI में आउटगोइंग की ओर एक भी पावर नहीं जा रहा है, यानी कि तीनों इंडिकेशन जीरो है. और थर्ड मेन चीज, करंट जा रहा है कि नहीं वो हमें एनर्जी मीटर में देखना है. तो देखिए एनर्जी मीटर में यहाँ पे लाइन 1 का करंट जीरो है, लाइन 2 का करंट जीरो है और लाइन 3 का करंट जीरो है. तो ये ब्रेकर रेकआउट करने के लिए तैयार है. ब्रेकर रेकआउट करते टाइम हमें आर्क सूट पहन के ही ब्रेकर को रेकआउट करना है. और ये ब्रेकर देखिए रेकआउट हो चुका है. सावधानी से सुरक्षित तरीके से ब्रेकर को रेक आउट करिए और देखते रहिए हमारा चैनल इनसाइड टेक्स. थैंक यू.